हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, मॉर्निंग हो चुका है और मैं नहा धो चुकी हूँ और घर की सारी क्लीनिंग हो गई है। बच्चे भी चले गए थे स्कूल और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। यूँ थोड़ी लेट पहुँच रही है आप लोग के पास। मुझे लगता है कि ये 8-9 दिन की वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी देखिए, हो चुका है सुबह और आज जो है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज कहीं की हमें तैयारी करनी है। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैंने भी कहा चलो एक आध दो दिन तो चलता है बच्चों का, तो इसलिए आज मैंने नहीं भेजा है बच्चों को। और यहाँ पे देखिए, हो चुकी है हमारी पैकिंग, ये देखिए। तो अभी पूरी अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं हुई है, मतलब जो बैग है वो छोटा पड़ रहा है, तो अभी दूसरे बैग में हम इसको शिफ्ट करेंगे। और पूरा देखिए यहाँ पे फैला हुआ है और कुछ वहाँ पे कपड़े मैंने रखे हुए हैं, वो सब कुछ मुझे पैक करना है। तो हमें कहीं जाना है, ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। और अभी तो जाऊँगी, जैसा कि नहा ली हूँ, पूजा भी हो चुका है, तो अभी सोच रही हूँ कि मतलब चाय बना के पी लेती हूँ। दूध है नहीं तो रुपेश गया है दूध लेने के लिए, जब दूध लेके आ जाएगा तब फिर चाय बना के पी लूँगी। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा दूँ और सब्जी कट कर लूँ, तो अभी जाती हूँ सब्जी कट करने के लिए और दाल चढ़ा दूँगी। जब तक रुपेश आएगा तब तक मतलब मैं सब्जी कट कर लूँगी, जब तक दूध नहीं आ रहा तब तक यही काम कर लें, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। वैसे तो सुबह उठी थी तो चाय पिया था हम सभी ने, पर नहाने के बाद एक बार और चाहिए होता है, तो बस वही चाय बनेगी। और हस्बैंड भी देखिए वहाँ पर अभी सोए हुए हैं, वहाँ देखिए। तो अभी हम और छवि नहा चुके हैं, बाकी रुपेश गया, अभी उसे बाल भी अपना कटवाना है, तो इसी वजह से वो अभी नहीं नहाया है। जब वो बाल कट दूध लेके आएगा ना, फिर चाय पी लेगा, फिर जाएगा बाल कटवाने, तो बाल कटवा के आएगा, उसके बाद फिर जो है वो नहाएगा। छवि भी नहा ली है, उसका हेयर मैंने अभी कॉम्ब नहीं किया है, तो चलिए अभी ज़्यादा बात तो लंबा नहीं करूँगी, पहले चलूँ सब्जी कट कर लेती हूँ और दाल चढ़ा लेती हूँ। वो आज घर में आने वाले हैं गेस्ट, जिनके साथ मैं जाऊँगी कहीं पर, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके ना उतना सारे काम मैं निपटा लूँ। तो देखिए सब्जी मैंने निकाल लिया है और बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ ये पत्ता गोभी, क्योंकि हरी सब्जियों को मुझे ख़त्म करना है। बस मतलब जैसे कि आलू और प्याज तो रह जाएगा, पर हरी सब्जियों को मैं बना के ले जाऊँगी। आज हूँ कल निकलूँगी, तो मैंने सोचा कि आज से चलो आज बना लेती हूँ, शाम को बना लूँगी, सुबह में जितनी भी सब्जियाँ हैं सब सब्जियों को मैं ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ 2-3 दिन का प्लान है हमारा वहाँ रहने का, तो वही इसी वजह से मैं सोच रही थी कि सब्जियों को मैं मतलब हरी सब्जियों को बना के ही जाऊँ, रख के जाऊँगी तो सूख जाएगी। आलू गोभी तो सूखने वाली चीज़ नहीं है, तो वो रह जाएगी, लेकिन ये सब्जियाँ हरी सब्जियाँ सूख जाएंगी। तो साग भी मैं बनाई थी पर आप लोग को दिखा नहीं पाई, साग भी जो जितना साग था मेरे पास वो सब कुछ मैंने बना दिया था। और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ जो है मेरी हो चुकी हैं कट, तो मैं इसे अच्छे से वास कर लूँगी। पत्ता गोभी वास करके ही रखी थी मैंने, फिर मैंने सोचा कि चलो इसे ऐसे अच्छे से वास कर लूँ। अब बस मुझे इसकी भुजिया बनाना है, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी है। और यहाँ पर देखिए आलू भी मैंने धुल के रख दिया है। और ये फ्रेंड्स आप लोग से शेयर नहीं कर पाई थी, आंवले का गुड़ वाला मैंने बनाया है मुरब्बा, तो बस आपको दिखा दिया था कि मैंने बनाया है। और जिस कढ़ाई में आंवले का मुरब्बा बनाया था ना, उसकी वजह से मतलब देखिए कढ़ाई जो है कितनी वाइट वाइट साइड साइड से लग रही है ना। तो खैर छोड़िए, ये तो 2-3 बार मैं अच्छे से वाश कर लूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने सब्जी में तड़का भी लगा लिया है, प्याज मेरा जो है वो भुन गया है, तो दाल मेरी बन चुकी थी और ये बस भुजिया मुझे बनाना था आलू और पत्ता गोभी का, तो बस मैं यही बना लूँगी। सिंपल सादा लंच है, जितना जल्दी जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं काम कर रही थी कि काम सारा काम निपटा लूँ, बस जितना जल्दी हो रहा था हाथ पैर चला रही थी। और चाय वगैरह भी हो चुका था हमारा। और जब हम कहीं जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात ये होता है कि समझ में नहीं आता है क्या रखें क्या नहीं रखें। वैसे तो विंटर चल रहा है तो लगेज में कपड़े ज़्यादा ही रहेंगे, और मैं रात से ही पैकिंग कर रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या रखूँ। रख रही हूँ फिर निकाल रही हूँ, रख रही हूँ फिर निकाल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ ले जाऊँ कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। ठंडी वहाँ पर कैसी होगी, बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी कि कम, बस यही सब माइंड में चल रहा है। कपड़े निकाल रही हूँ रख रही हूँ, और फिर मुझे लगा कि मुझे बड़ा बैग ले लेना चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि छोटा ही ले जाऊँगी,
पर 3 दिन का कपड़ा रखना हस्बैंड का, हमारा, बच्चों का। और जैसे कि ठंडी है तो इस समय तो ज़्यादा ही कपड़े कहीं भी जाएंगे आप तो ले जाएंगे, शॉल स्वेटर, तो इस वजह से छोटा वाला बैग जो है वो मुझे लगा कि मतलब ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मैं बड़ा बैग ले लूँ, थोड़ा सा मतलब जाऊँ तो अपने व्यवस्था से जाऊँ कि मतलब अगर ठंडी कैसी भी पड़ रही हो तो मैं मैनेज कर लूँ। और यहाँ पर देखिए सब्जी जो है वो बन गई है, तो ये मैंने जो सेजवान चटनी घर पे बनाई थी, होममेड है ये, उसी में डाल दी। मतलब इसको डालने से ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बन गई थी, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो मैं बना के रखती हूँ, रेसिपी भी मैंने शेयर कर लिया है आप लोग के साथ। तो अभी देखिए वही फिर से दोबारा पैकिंग हो रही है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। एक बैग से, छोटे वाले बैग से निकाल के मैं बड़े वाले बैग में शिफ्ट कर रही हूँ। और एक आध दो स्वेटर जो है वो एक्स्ट्रा भी मैंने रख लिया कि कहीं वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही होगी तो मैं आराम से इसे जो है मतलब दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ देखिए गेस्ट लोग आ गए हैं। लक्ष्मी मौसी लग गिर जाओगी लाडो, लक्ष्मी मौसी नहीं आ रहे। खेलो तुम मत लो, नहीं तो देखो। और इसमें बुद्धू है, पता है ना बुद्धू है इसमें। सुगु, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? लाडो तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तुम्हारा नाम कुछ नहीं है? क्यों नहीं है तुम्हारा नाम कुछ? तुम्हारा नाम क्या है? लाडो। अच्छा, तो आपने देखा ना कि घर में कितनी चहल पहल हो गई है। और यहाँ पर मैंने दे दिया हस्बैंड को लंच, वो लंच कर रहे हैं। बाकी सिस्टर को भी दे दिया था लंच, वो भी कर चुकी है। और हो गया है ढेर सारा बर्तन, तो मैं इसे वॉश कर लूँगी। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो था, लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।